यूपी के बाद अब बात करेंगे बिहार की। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा संभव है। जातीय जनगणना वाले मुद्दे को लेकर आरजेडी ने पासा फेंका और नीतीश को साथ आने का न्योता दे डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने जगदानंद बाबू को धन्यवाद किया, लेकिन नीतीश ने अभी तक इस पर खुलकर कुछ नहीं बोला है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा, क्या फिर आरजेडी के साथ जाएंगे नीतीश? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने नया पासा फेंका है और नीतीश कुमार को फिर साथ आने का मौका दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना के वादे पर आगे बढ़ना चाहिए, अगर बीजेपी के कई मंत्री उनकी बात नहीं मानते तो हटा देना चाहिए। सम्मानित मुख्यमंत्री जी अपने वचन पर दृढ़ रहिए, हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी के ऑफर के लिए शुक्रिया अदा किया है, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, जेडीयू कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो हमारी पार्टी तो बिल्कुल इन मुद्दों पर हर तरह से कमिटेड है, अडिग है। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, जातीय जनगणना होगी, अगर केंद्र की सरकार नहीं करती है तो बिहार में जातीय गणना होगी ही, यह तो हम लोगों ने पहले ही से तय करके रखा है। आरजेडी की ओर से जगता बाबू ने कहा है, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, तो इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू प्रेस वार्ता करके अपनी बात कहते हैं, अपनी बात का मतलब वही समझा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इन दोनों ही मुद्दों को पक्ष विपक्ष के नजरिए से या सरकार के नजरिए से नहीं देखा है। आम आवाम की यही इच्छा है और इसी वजह से इस मुद्दे के साथ मजबूती से जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमने आरजेडी पर हमला बोला है और तेजस्वी यादव को दिन में सपना ना देखने की हिदायत दी है। राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान को पता है कि राजद के विधायक, कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए समर्थित दलों के संपर्क में हैं और उन्हें डर है कि कहीं खरमास के बाद राजद के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाए। इसलिए अपने विधायकों को गोलबंद करने के नजरिए से जगदानंद सिंह जी अब खुद को सरकार के साथ बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को दिन में सुहावने सपने देखने से भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को आश्वस्त हो जाना चाहिए। ABP News, आपको रखे आगे।